हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू आशीष सिंह लेक्चर्स आई एम अदीहा खान योर फ्रेंड हु इज़ देयर टू हेल्प यू विद योर इंग्लिश लैंग्वेज तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर करें हमारा जिसका नाम है मिजबिल दी ऑटर ठीक है ऑटर क्या होते हैं ऑटर होते हैं आपके ऊद बिलाऊ ठीक है ये मोस्टली ऐसे दलदली इलाकों में पाए जाते हैं ठीक है और जो हमारे इस पोम के जो ऑथर हैं नरेटर हैं ठीक है जो जिन्होंने ये पूरी सॉरी पोम कह रही हूँ जो हमारी स्टोरी है जो चैप्टर इसके जो ऑथर हैं उनका ये ऑटर होता है जो उन्होंने पाला होता है और उसको नाम क्या दिया होता है मिजबिल तो ये मिजबिल जो है इसका पेट नेम है ठीक है और हमारे ऑथर कौन है यहाँ पर गेविन मैक्सवेल ठीक है तो यहाँ पर जो है गेविन मैक्सवेल जो होते हैं उन्होंने एक ऑटर पाला होता है और फिर उसके साथ जो उनका एक्सपीरियंस रहता है वो बेसिकली यहाँ पर उन्होंने शेयर किया है तो आ जाओ इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिफोर यू रीड गेविन मैक्सवेल लिव्स इन अ कॉटेज इन कैमेस्फियरना इन दी वेस्ट हाईलैंड इन स्कॉटलैंड देखो गेविन मैक्सवेल कहा रहते हैं कैमेस्फियरना में रहते हैं और कैमेस्फेरना कहाँ है वेस्ट हाईलैंड इन स्कॉटलैंड वैन हिस्स जॉनी डाइड मैक्सवेल वैट टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन अब मैक्सवेल के पास पहले ऑलरेडी एक पैट था जो डॉग और उसकी क्या हो गई थी डेथ हो गई थी और वो इतने उदास हो गए थे कि उन्होंने दोबारा जो है डॉग रखने के बारे में सोचना भी नहीं चाहा बट लाइफ विदाउट अ पैट वॉज लोनली लेकिन एक पैट के बिना लाइफ उनकी काफ़ी कैसी थी लोनली थी रीड वॉट हैपन दैन इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड तो अब आगे क्या हुआ वो हम मैक्सवेल के खुद के वर्ड्स में ही जानेंगे मतलब यहाँ पे नरेट जो है वो खुद ही कर रहे हैं स्टोरी चलो तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं अर्ली इन दी न्यू ईयर ऑफ 1956 फिफ्टी सिक्स आई ट्रेवल टू सदर्न इराक आप देखो कब की बात है न्यू ईयर स्टार्ट ही हुआ था नाइनटीन फिफ्टी सिक्स की बात है मैं सदरन इराक गया था बाय दैन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड दट आई शुड लाइक टू कीप एन इंस्टेड ऑफ डॉग और उस टाइम तक जो है मेरे दिमाग में ये बात आ चुकी थी कि डॉग की जगह जो है इस बार मुझे एक उद बिलाव रखना है एज अ पैट एंड दैट ना रिंग्ड बाई वॉटर वुड बी एन एमिनेंटली सूटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट और वाटर क्योंकि उसको क्या होता है पानी चाहिए होता है पानी वाला एक एनवायरमेंट में रहता है वो तो ना जो पूरा पानी से घिरा हुआ है ये सबसे बेस्ट और अत्यधिक सूटेबल जो है जगह रहेगी एक ऑटर पालने की ठीक है तो रुको, कलर चेंज करती हूं मैं Okay वैन आई कैजली मैंशन दिस टू अर फ्रेंड जब मैंने एक नॉर्मली अपने फ्रेंड को ये बात बताई ही एस कैजली रिप्लाइड दट आई हैड बेटर गेट वन इन द टिग्रिस मार्शस और उसने मुझे ऐसे ही कैजली मतलब उसको कुछ अलग नहीं लगा और उसने मुझे बोला कि अगर तुम्हें कोई चाहिए तो तुम कहाँ से टिग्रस टिग्रस मार्शस से देख लो ठीक है मारशस क्या होते हैं दलदल जो दलदली इलाका होता है ना वहाँ का एक जगह उसने बताई They as as वहां पर ये जो ऑटर्स होते हैं वो जैसे मच्छरों जितने कॉमन मच्छर होते हैं ना उतने कॉमन पाए जाते हैं ठीक है एंड वर ऑफ्टन टेम्ब बा अरब जो है इन्हें टेम भी करते हैं मतलब इन्हें कहते हैं ना पालना इन्हें ट्रेन करना वो सब करते हैं वी वर गोइंग टू बासरा टू द कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट एन आंसर आर मेल फ्रॉम यूरोप हम बासरा जा रहे थे कहाँ कॉन्सुलेट जनरल वहाँ पे हमें जो है हमारा जो भी मेल हमने भेजा था उसके आंसर हमें कलेक्ट करने थे जो यूरोप से आने वाले थे आज दक कॉन्सुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव दैट माइंड है हम कॉन्सुलेट जनरल पहुँचे तो हमने पाया कि मेरे जो तो दोस्त था मेरे साथ उसका मेल आ गया था लेकिन मेरा मेल अभी तक नहीं मुझे रिसीव हुआ था आई केबल टू इंग्लैंड एंड वन थ्री डेज लेटर नथिंग इट टेलीफोन फिर मैंने एक तार भेजा उस टाइम तो तार और टेलीग्राम यही चलते थे तो मैंने एक तार भेजा तीन दिन वेट किया लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो मैंने टेलीफोन ट्राई किया कॉल हैड टू बी बुक्ड ट्वेंटी फोर आवर्स इन एडवांस लेकिन टेलीफोन यूज करने के लिए सामने कॉल करने के लिए जो है, कम से कम चौबीस घंटे मतलब एक दिन पहले बुकिंग करनी होती थी ऑन द फर्स्ट लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर लेकिन पहले दिन क्या हुआ लाइन जो थी वो आउट ऑफ ऑर्डर थी ऑन द सेकेंड द एक्सटेंड वॉज क्लोज फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे दूसरे दिन कोई रिलीजियस हॉलीडे थी इस वजह से मैं कॉल नहीं कर पाया ऑन द थर्ड डे देर वॉज अनदर ब्रेक डाउन और तीसरे दिन भी कोई ब्रेकडाउन हो गया था माई फ्रेंड लेफ्ट मेरा फ्रेंड जा चुका था एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम और फिर मैंने उससे मतलब हमने ये डिसाइड किया कि मैं एक आध हफ़्ते के अंदर तुम्हें मिलता हूँ फाइव डेज लेट माई मेल अराइव्ड और पाँच दिन वहाँ रुकने के बाद जाकर मेरा मेल मुझे मिल गया I carried it to my bedroom to read, and there, squatting on the floor, were two Arabs. ठीक है अब मैं अपने रूम में अपना मेल लेकर गया पढ़ने और वहाँ पर दो अरब्स ऑलरेडी बैठे हुए थे बेसाइड देम ले सैक दैट स्कॉम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम और उनके पास क्या था एक बोरा रखा हुआ था सैक क्या होता है बोरा जो थोड़ी थोड़ी देर में क्या कर रहा था छटपटा रहा था छटपटाना मतलब हिल रहा था ढुल रहा था ना इस तरीके से दे हैंड मी नोट फ्राम माई फ्रेंड हेयर इज योर ऑर्टर फिर जो अरब्स थे उन्होंने मुझे एक नोट दिया और वहाँ उसमें क्या लिखा हुआ था कि ये इधर जो है क्या है तुम्हारा ऑर्डर है मतलब तुम्हारा ऑर्डर आ गया है विद द ओपनिंग ऑफ दैट सेक बिग इन अ फेज ऑफ माई लाइफ और जैसे ही मैंने वो बोरा खोला है ना वो बोरी खोली वैसे ही मेरा लाइफ का एक नया चरण स्टार्ट हो गया था दैट इज़ नॉट येट एंडेड एन मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू इट इज़ इन इफेक्ट आ थ्रालम टू ऑटर्स ठीक है ये क्या था मतलब एक मतलब क्या था थ्रालडम था टू ऑटर्स है ना क्या थ्राल क्या होता है गुलामी चलो यहाँ लिख देती हूँ मैं

The creature that emerged from this sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled, most of all, a very small, medievally conceived ड्रैगन ठीक है अब भाई उसमें से जो क्रिएचर निकल कर आया ना वो कैसा लग रहा था कि कोई एंशंट मतलब है ना कोई ड्रैगन से कोई है ना मतलब इनहेरिट होके कोई जानवर हो थोड़ा छोटा ड्रैगन की आ, क्या कहते हैं हम मतलब ड्रैगन से काफी छोटा लेकिन वो कैसा लग रहा था एक छोटा सा ड्रैगन ही लग रहा था फ्रॉम दी हेड टू द टिप ऑफ द टेल ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मर्ड आर्मर अब वो पूरा का पूरा सर से लेकर अपनी पूछ तक पूरा जो है मिट्टी के कवच में लिपटा हुआ था बिटवीन हूज टिप्स वॉज विजिबल अ सॉफ्ट वेलवेट फर लाइक और जिसमें से क्या थोड़ी थोड़ी जो है वेलवेट फर लाइक टिप्स विजिबल हो रही थी दिख रही थी ऑफ दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल जैसे कि मतलब जो छछुंदर होते हैं ना उनकी कैसी स्किन होती है वैसे मोल क्या होते हैं छछुंदर तो उनके जैसे मतलब हल्के हल्के फर मुझे नजर आ रहे थे उस मिट्टी के कवच में से हिशोक हिमसेल्फ एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनादर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मर्ड एंड सी दी ऑटर ठीक है उसने अब जो है थोड़ा बहुत खुद को ऐसे हिलाया डुलाया तो मैं सोच रहा था कि थोड़ी बहुत ही जो है मिट्टी इसमें से निकलेगी बट पूरे अगले महीने तक जो है उसकी मिट्टी झड़ती रही मतलब एक महीना मुझे लग गया जब जाके मैंने उसका रियल जो ऑटर का जो रियल कलर था वो देखा और उसको प्रॉपरली साफ देखा जो ऑटर है उसका नाम हमारे जो गेविन मैक्सवेल है उसने क्या रखा था मिजबिल तो वो एक ऐसी प्रजाति थी जो काफी टाइम तक जो है साइंस uh, के लिए अनोन थी अनुलजिस्ट लूट्रोगलॉटी और मैक्सवेल्स ऑटर ठीक है फिर उसे जो है जूलॉजिस्ट ने नाम दिया ठीक है क्रिस्टन का मतलब क्या हुआ नाम देना ठीक है और क्या बुलाया गया मैक्सवेल्स वाटर फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबिल वाज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली ठीक है पहले 24 घंटों के लिए मिजबिल ना तो प्रतिरोधी था है ना मतलब भाई विरोध-विरोध कुछ नहीं कर रहा था कि मुझसे डर रहा हो या कुछ कुछ भी नहीं और ना ही मेरा फ्रेंड था कि मेरे पास आ रहा था ही वाज सिंपली अलूफ एंड इंडिफरेंट और वो जो है बस सिंपली मुझसे दूर-दूर और अलग-अलग रह रहा था

वापस हट गया। उसने क्या किया अब जो apathy में था वो जो मतलब पहले कैसे पड़ा हुआ था बिल्कुल कुछ नहीं करना तो उसने अब अपनी अनिच्छा छोड़ी और अब जो है वो अपनी सराउंडिंग को अच्छे से जो है क्या कर रहा था देख रहा था इधर उधर के मतलब होता है ना भाई आप एक नई जगह आते हो तो आप देखते हो चीजें वैसे वो हर चीज को देख रहा था आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाया था एंड टू किम ऑन अ लीड टू द बाथरूम और फिर मैं वहाँ से उसे वो बेल्ट की मदद से पकड़कर बाथरूम ले गया वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल विद जॉय इन वाटर पर वो आधे घंटे तक बिल्कुल पागल हो गया था पानी में खुशी से और उसने पानी में खूब खेला प्लंजिंग एंड एंड रोलिंग इन इट शूटिंग अप डाउन द द लेंथ ऑफ अंडर वाटर वो पूरा उसमें लोट रहा था कूद रहा था पानी में अंदर जा रहा था बाथ टब में पूरा एंड मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ स्पलेश और इतने ज्यादा मतलब वो पानी के जो है कहते ना छपा के मार रहा था दिस आई वोश टू लर्न इज द करेक्टरस्टिक्स ऑफ ऑटर्स ये मैंने समझा कि भाई हाँ ये ऑटर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस तो ये मैंने सीखा ये मैंने जाना कि भाई एक एक पानी का कतरा जो है वो पूरा जो है हर जगह पर उड़ाना है बाउल मस्ट एट बी 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 और इफ इट इट विल नॉट सेट इन एंड तो ये चीज मतलब ना कैरेक्टरिस्टिक एक फनी वे में ना साकास्टिक वे में कि भाई ये मैंने जाना कि वाटर का कोई कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई या तो ना इसे पानी में छपा के मारो कि हर जगह पानी कर दो या फिर पूरा ही जो पानी से भरा बाउल है उसको पूरा उंडेल दो और अगर नहीं उंडेल सकते तो उसमें इतना मतलब ऐसे बैठ जाओ इतने मतलब छपा के मारो कि वो खुद ही ओवरफ्लो होकर सारा पानी बाहर गिर जाए ये उन्होंने कहाँ से पता लगाया कि मिजबिल ये सारी हरकतें कर रहा था ठीक है इसलिए यहाँ पर इसे फनी वे में लिखा गया वाटर मस्ट बी ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स वेन स्टैटिक इट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग ये आगे बोलते हैं कि भाई वाटर जो है उसको, उसको है ना मतलब बस चलाते ही रहना चाहिए और उसके साथ कुछ ना कुछ करता रहना चाहिए अगर वो ठहरा हुआ रहेगा तो वो सिर्फ वेस्ट हो रहा है ये वो मिजबिल के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे थे पानी के अंदर टू डेज लेटर मिजबिल एस्केप्ड फ्रॉम माय बेडरूम एज आई एंटर्ड इट दो दिन की बात आगे की बात है कि भाई मिजबिल जो है वो मेरे रूम से कहीं चला गया था जैसे ही मैं रूम में गया

किसके नल के साथ या टटोलना लिख दो इसको चलो टटोलना भी लिख सकते हो और छेड़छाड़ करना भी लिख सकते हो ठीक है पानी के नल के साथ आई than a इन लेस देन turned ही टैप फार इनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ water मैं एकदम मतलब आश्चर्यचकित रह गया कि

लकी था वो कि भाई वो ऐसे खोल के उसने पानी निकाल लिया क्योंकि कभी कभी ऐसा भी था कि भाई वो क्या करता था उल्टी तरफ खोल वो टैप को खोलने की कोशिश करता था और उसे और भी ज़्यादा टाइट कर देता था इरिटेशन होती थी, irritation होती थी वो जो उसकी मतलब आवाज होती, उसमें लीड एंड कम टू मी वेन आई कॉल्ड हिज नेम और फिर थोड़ी देर थोड़े टाइम बाद जो है ऑब्वियसली भाई हो जाता ना लगाव भी हो जाता है और पहचानने भी लगते हैं कि हाँ यहाँ कोई हार्म नहीं हो रहा है हमें तो मिथ जो है अब मुझे फॉलो भी करता था कोई पट्टा वट्टा बांधना भी नहीं पड़ता था और जब भी मैं उसे बुलाता था तो वो आ भी जाता था ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिस्स टाइम इन प्ले वो ज़्यादातर अपना टाइम खेलने में ही लगाता था ही स्पेंट आर शफलिंग अ रबर बॉल राउंड द रूम लाइक अ फोर फुटेड सॉकर प्लेयर यूजिंग ऑल फोर फीट टू ड्रिबल द बॉल वो अपना वो ज्यादातर टाइम क्या करता था खेलने में लगाता था और क्या होता था भाई मतलब घंटों खेलता रहता था वो रबर की बॉल से मतलब उसको इधर उधर करता था ऐसे कि भाई कि कोई चार पैरों का कोई सॉकर प्लेयर हो और जो क्या कर रहा है बॉल को इधर उधर शफल कर रहा है एन ही कुड ऑल्सो थ्रो इट विद अ पावरफुल फ्लिक ऑफ अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस और वो मतलब भाई क्या होता है सील्स और ऑटर्स जो होते हैं ना इनमें एक क्वालिटीज़ होती है कि ये खेल सकते हैं चीज़ों से जंबल कर सकते हैं चीज़ों को है ना तो उसमें मतलब एक और चीज़ थी कि वो क्या करता था अपने नेक से इतनी ज़ोर से बॉल को इतनी ऊपर इतनी हाइट पे इतनी दूर तक फेंक सकता था कि मैं भी सरप्राइज हो जाता था बट रियल प्लेन ऑर्डर इज वेन ही रियल प्ले था ना मतलब जो सच में वही लगता था कि हाँ ये क्या कर रहा है भाई ये कुछ अनोखा ही है वो क्या था कि वो अपनी बैक पर लेट जाता था और अपने जो पंजे थे उनसे छोटे छोटे जो भी खिलौने होते थे उनको क्या करता था जगल करता था जगल करना होता है ना जैसे जोकर वगैरह करते हैं एक साथ तीन बॉलों को ऐसे ऐसे जगल जगलिंग करते हैं तो वैसे वो भी

गिरा दे मतलब वो इतना उसमें मास्टर्ड हो गया था ठीक है इस तरीके से यहाँ पे स्टोरी जो है वो चल रही है अब इसके आगे की स्टोरी जो है हम वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे है ना ठीक है तो अभी हमने क्या देखा कि भाई एक ऑटर जिसे पालना ऑब्वियसली हम सोच भी नहीं सकते बट जो हमारे गेविन मैक्सवेल हैं उन्हें एक डॉग नहीं पालना था क्योंकि उनके प्रीवियस डॉग की डेथ हो चुकी थी और उनको जो है एक मतलब अलग ही ऑब्सेशन भी था ऑटर से तो उन्होंने एक ऑटर पालना चाहा स्टार्टिंग में ऑटर जो था वो इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हुआ बट धीरे धीरे वो आराम से वहाँ एडजस्ट होने लगा ठीक है अब आगे स्टोरी में क्या होगा कि ऑटर उन्हें छोड़ना पड़ेगा या आगे उसके साथ और भी एक्सपीरियसिस होंगे अलग अलग चीज़ें होंगी वो सब जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं This is Madiha Khan signing off right now. Bye bye and have a nice day.